नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश के पटवारी कमलबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं पटवारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द ही नहीं मानी जाती हैं तो आगे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारी 2800 ग्रेड पे है और बाकी सहयोगी मांगे 4 और हैं, जैसे स्टेशनरी भत्ता हमको 500 रुपये मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, गृह भाड़ा भत्ता हमको मिलता है 258 रुपये जबकि 2858 रुपये में कोई मकान किराया से मिलता नहीं है। हमको यात्रा भत्ता मिलता है 300 रुपये जबकि हम कईयों के पटवारी हल्का मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर हैं, एक बार में इतना पैसा लग जाता है। और अतिरिक्त हल्के जो डबल हल्के हैं उनका हमको मानदेय कुल 500 रुपये मिलता है जबकि काम दूना करना पड़ता है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं भोपाल के लाल परेड मैदान में पत्र विक्रेता महासम्मेलन आयोजन का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। और मैंने लाडली बहना योजना का भी लाभ उठाया है, आयुष्मान योजना का भी लाभ उठा रही हूं मैं, और आगे भी मैं चाहती हूं कि ऐसी हमारे भाई साहब सभी के लिए बताओ योजनाएं और चलाए बहनों के लिए, और सभी बहनों के तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। पिंटू विश्वकर्मा है, इन्होंने फेरी लगाकर वेल्डिंग का कार्य करते हैं। 50,000 का इन्हें भी ऋण मिला था बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पिंटू विश्वकर्मा। मैं नमस्कार करना चाहूंगा मामा जी का। मामा जी के आशीर्वाद से आज मैंने कार्य करे, 10,000 रुपये से मैंने चालू करा था बिजनेस, उसके बाद 20,000 पे पहुंचा, 20,000 से 50,000 का लोन मिला मेरे पास में। पहले सब्जी का लगाता था मैं ठेला, तो मेरे पास में इनकम कम थी, भी मैंने फेब्रिकेशन का काम सीखता गया धीरे धीरे, तो उसके बाद मैंने वेल्डिंग मशीन का भी लिया और मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल से घूमने लगा था, फिर मैंने 50,000 का लोन लिया, उसमें से एक बाइक भी खरीदी और मशीन भी खरीद के मैं काम करने लगा। आज अच्छी इनकम होने लगी, मैं 8,000 रुपये कमाने लगा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अब छोटे मोटे ठेके भी लेता हूँ, तो 15,000 से 20,000 तक का भी काम हो जाता है मेरा द्वारा। तो मैं मामा जी से यही कहूँगा कि ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखें और ऐसे ही बढ़ने का अवसर मिलता रहे तो अब बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। और इस कार्यक्रम का जिस तरह यहाँ लाभ वितरण हो रहा है, ऐसा ही 413 निकायों में इस कार्यक्रम का लाभ वितरण किया जा रहा है, ऋण का वितरण किया जा रहा है और यूपीआई साउंड बॉक्स का भी वितरण 413 निकायों में किया जा रहा है और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा जा रहा है। और अब हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे इस पथ विक्रेता शहरी एवं ग्रामीण महासम्मेलन के कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को अपने परिवार की तरह समझने वाले और लाडली बहनों के लाडले भैया, प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी और बुजुर्गों के लाडले पुत्रवत स्नेह करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी आत्मीय संवाद करेंगे अपने परिजनों से। जोरदार तालियों से हमारे माननीय मामा जी का स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरे लाडले मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, सभी पद विक्रेताओं की। मेरी बहुत इच्छा थी कि हाट ठेला में रख के सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमटी में रख के सामान बेचने वाले मेरे भाई और बहनों से एक बार यहां आके बात करूं, और आज मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलके। आपको भी मुझसे मिलके खुशी है कि नहीं? तो आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी वरिष्ठ नेता गोविंदपुरा की विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे अध्यक्ष मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के भाई प्रताप करोसिया जी, केस शिल्पी मंडल के अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा जी, हमारे राजेश सिंगोरानी जी, मलय श्रीवास्तव जी एसीएस हमारे, नीरज मंडलोई जी पीएस, भरत यादव जी,
बेलवाल जी, अभी दोनों साथी आपके बीच बोल रहे थे, बेटी प्रियंका और पिंटू विश्वकर्मा, और इसके साथ ही यहां लाल परेड ग्राउंड पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर ये कह रहा हूं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और मेरे परिवार हैं आप सब, ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भांजे हैं, मेरी भांजियां हैं। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री थोड़ी हूं भाई, बीच में व्यवधान पैदा मत करो, मुझे जनता से बात कर लेना। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो वहीं बैठो अभी, मैं बाद में ऐसे में डिस्टर्ब हो जाए, वहीं बैठो, पहले बात पूरी हो जाए उसके बाद लूंगा, अपने अपने जगह बैठे रहेंगे सब। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो भैया हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं, तो ये अपना परिवार है, इतना बड़ा परिवार, और परिवार का मैं मुखिया हूं, तो मेरी ड्यूटी है आपके सुख और दुख का ध्यान रखना, कैसे आपकी जिंदगी सुखी हो, कैसे आप आगे बढ़ते रहें, कैसे परेशानियां दूर हो, इसकी चिंता करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, हम क्यों गरीब रहे भाई? क्या केवल गरीब रहने के लिए हम पैदा हुए हैं? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? मैं आपके साथ हूं, आज संकल्प करो कि हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मेहनत करेंगे और हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे आपकी सुविधाओं के लिए। कई तरह की योजना हमने बनाई, अब इतनी मेरी बहनें बैठी है, इनमें से लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ जिनको लाभ मिल रहा है। देखो कितनी मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि भाई मुख्यमंत्री है तो बहनें 1500 के लिए क्यों परेशान हो, अरे जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे, बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, जरूरी कोई चीज दिलाना हो तो हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। और इसलिए मैंने तय किया मेरी बहनों कि मेरे रहते हुए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैंने बना दी लाडली बहना योजना, और तय किया कि 1000 रुपया हर महीना खाते में डालूंगा। अब 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250 रुपया। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना, कोई भाषण वासण थोड़ी दे रहे हो, अपन तो गप लगा रहे हैं। और सुनना, तुम्हारे भाई का ऐलान, पैसे का इंतजाम और कर रहा हूं, जैसे ही होगा बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, और पैसे का इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, अपने परिवार की स्थिति ठीक करेंगे ताकि अपने बच्चे भी सुखी रह सके, अपने बच्चे भी आनंद से प्रेम से जिंदगी जी सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भैया ये देश हमारा भी है, ये धरती हमारी भी है, ये संसाधन हमारे लिए भी है। कांग्रेस ने बरसों तक शोषण किया, गरीब को गरीबी रहने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको देके रहूंगा, तुम्हारा अधिकार तुमको देके रहूंगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक तरफ ऐसी योजना बना के अपनी बहनों के खाते में पैसा डालना, किसान के खाते में पैसा डालना, दूसरी तरफ एक बात और सुन लो, गांव से आए हो चाहे शहर से आए हो, अपने भाई का संकल्प, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का पट्टा तो दूंगा।
बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं। अरे भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो दी होगी यार हमें कि जिसपे अपना मकान बना के रह सके। और अब एक बात और सुनना, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, रहने के पक्के मकान नहीं है, बरसात आती टप 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 पानी छूता है, बच्चों का सोना मुश्किल हो जाता है, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलते थे तो कई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे लेकिन वो गरीब थे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए मैंने बना दिया अब मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी फॉर्म भरने पंचायत पंचायत में गांव में ही भरा रहे भाई, भराएंगे शुरू हो गए कि नहीं? शुरू हो गए तो फॉर्म भरो, धीरे धीरे पैसा देके सबके मकान बनवाएगा, तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिंदगी अपन आराम से जिए। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बार उनका भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है। तो अब मैंने तय कर दिया लाडली बहनों को और उजला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो। और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे, इतने कहां से भर दें? तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे। अब एक बार वो भी मैं भरवा दूंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है, मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना, उनकी मेहनत से देखो। वो गांव में रहते और पांचवी पास करके छठवीं में दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4,500 रुपया, आठवीं पास करके नौवीं में जाते तो फिर साइकिल के 4,500 रुपया देता हूं, बारहवीं में अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता है, लैपटॉप के 25,000 अभी दिए कई बच्चों। और अब अपने गांव के स्कूल में बारहवीं में वो पहले नंबर पे आएंगे, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, अभी दिए मैंने। और अब एक नहीं तीन तीन को दिलवाऊंगा, तीन बेटा तीन बेटियों को। ये काय के लिए मैं कर रहा हूं, बच्चों में होड़ लग जाए पढ़ने की, और खूब मेहनत से पढ़े यार, मामा स्कूटी दिलवाएगा तो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई अच्छी करेंगे तो बड़े बन जाएंगे, सही बात है कि नहीं? कई बार तुम भी कहती हो ना बेटा ये मत कर, चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट टॉफी दूंगी, कुल्फी दिला दूंगी, तो मैं इनका बेटा बेटी परोड़े तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगा, तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। क्या मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अरे कल्लू पन्ना धन्नू मुन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे, क्या बड़े लोगों के ठेका है डॉक्टर बनने का? अपन जमाना बदल देंगे, जमाना जमाना बदल देंगे अपन। हमारे बच्चों में भी तो बुद्धि और अकल है, तो हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपनी जिंदगी बनाने का अभियान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। और वैसे ही ये पथ विक्रेता योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता योजना ये इसलिए बनाई कि हम छोटे छोटे काम करते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा किराना बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। तो कितनी परेशानी होती थी पैसे में, अगर जरूरत पड़े कि 1,000 रुपया की जरूरत है तो सब्जी भाजी खरीद के हाथ ठेला में बेचेंगे, तो पैसे की जरूरत पड़े तो कौन के पास जाना पड़ता था? ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनके पास जाना पड़ता था, और ब्याज पे पैसा देने वाला 100 रुपया देता था तो महीने में 125 रुपया वापस मांगता था, सही बात है कि नहीं? अब जितने कमाओ सब ब्याज में ही दे दो, कैसे जिंदगी चलेगी भाई? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों ये बात तय की, एक तो बनी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, एक बनी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैंने बनाई। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपया का लोन बैंक देता है और उसको वापस करने की गारंटी
हम लेते हैं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 10,000 रुपया वापिस कर दें तो फिर 20,000 रुपया मिलते हैं, फिर 20,000 रुपया अगर वापिस कर दें तो फिर 50,000 रुपया बैंक से मिल जाते हैं। ये योजना इसलिए बनाई कि धीरे धीरे हम अपनी कमाई बढ़ा के छोटी दुकान से अपनी दुकान को बड़ी दुकान कर लें, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। अगर पैसा होते हैं और हम अपनी दुकान कोई और सामान खरीदते और बेचते हैं तो थोड़ा मुनाफा होता है, उसमें से बचा बचा के हम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं, हम अपना काम धंधा बड़ा कर सकते हैं। और यहां कई बहनें ऐसी है कि जिनने अपनी आमदनी बढ़ा के साल भर में 1,00,000 रुपया से ज्यादा कर दी है, 1,00,000 रुपया से ज्यादा कर ली। तो मैं चाहता हूं हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाई जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, वो धीरे धीरे अपने काम धंधे के माध्यम से अपनी बड़ी दुकान बना लें और ज्यादा पैसा कमाएं, ताकि सुख से जीवन जी सकें। देखो मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आराम करता रहूं, मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे हम और ज्यादा खुशियां ला सकें। और इसके लिए ये काम धंधा अपना चलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर के साथ सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, जो गांव में हमारे गांव में सामान बेचते हैं अलग अलग भाई बहन, उनके लिए, और उनके लिए भी ये योजना है कि पहले 10,000 मिलेंगे, ब्याज मैं भरवाऊंगा ताकि ब्याज का बोझ ना पड़े, बिना ब्याज के देंगे, और 10,000 वापिस करेंगे तो फिर 20,000 दिलवाएंगे, और 20,000 वापिस करेंगे तो फिर 50,000 दिलवाएंगे। लेकिन आज आपके बीच में मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि अगर 50,000 वापिस कर देंगे तो बिना ब्याज के 1,00,000 रुपया भी दिलवाए जाएंगे, ताकि हम और बड़ा काम खड़ा कर सकें। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें भी तो काम धंधा छोटे से ही शुरू किया, और छोटे से शुरू करके उसको बड़ा बनाते चले गए। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने आपको यह संदेश देने के लिए ही बुलाया कि हम सरकार की योजना का भी लाभ उठाएं, और उसके साथ हम अपनी मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाएं, ताकि हम सुख से जी सकें, हम आराम से रह सकें। अब कई जगह जब हमारे दुकानदार छोटे छोटे सामान बेचते थे तो तय बजोरी वसूल होती, तय बाजारी, इतने पैसा दो। अब 100 रुपया कमाओ और 40 रुपया वो ही ले लें। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमने ये निर्देश दे दिए कि अब कहीं भी तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी। अरे वैसे ही गरीब आदमी 100 रुपया कमाए तुम नहीं ले ले तो गरीब कहां जाएगा भाई। और इसलिए तय बाजारी वसूल करने से मैंने मना कर दिया कि गरीब आदमी बेचे सामान और पैसा कमाए और अपना परिवार चलाए। एक बात और, कई जगह मुझे हमारे पथ विक्रेताओं ने कहा कि हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं, ए का ठेला लगा लिया, चल इधर चल उधर। और इक्का दुक्का यही बता रहे थे कि कई बार तो सब्जी भाजी थोड़ी बहुत उठा लेते हैं तो परेशानी होती है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा। और इसलिए अब एक फैसला अपन और कर रहे हैं, गांव में और शहर में जितने ये सामान बेचने वाले सड़क पे हैं, उन सबके परिचय पत्र बनाए जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अरे भाई अपन भी तो इंसान है, अपन कोई ऐसे थोड़ी अरे गरे के इधर वाले ने कहा उधर चल, उधर वाले ने कहा इधर चल। अरे हम भी इज्जत से जिएंगे यार, गरीब की भी तो इज्जत होती है मेरे बहनों और भाइयों, गरीब की भी इज्जत होती है। और इसलिए सबको परिचय पत्र बना के दिए जाएंगे, ताकि यहां डाले गले में कि मैं राम सिंह पथ विक्रेता, तो पथ विक्रेता की भी इज्जत होनी चाहिए भाई।
और कोई प्रशासन के लोग अगर पूछे तो बता दे कि हम ये हैं। होना चाहिए कि नहीं बताओ, सबका होना चाहिए ताकि हम ठीक से इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। कई जगह शहरों में परेशानी होती है, यहां ठेला नहीं रख सकते, भाव नहीं लगा सकते, यहां सामान नहीं रख सकते, और इसलिए ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। पहले से सामान बेचने के स्थान अलग अलग जगह जहां सामान बिक सके वो चिन्हित करेंगे ताकि हर कोई परेशान ना कर पाए और अपन इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर पाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, ताकि आप सुख से जी सकें। और मैं हूं आपका भाई, मैं हूं बच्चों का मामा, मेरी बहनों का भाई, और मैं इसलिए आया हूं फिर से मुख्यमंत्री बनके कि तुम्हारी जिंदगी सुधार दूं। इसलिए भगवान ने भेजा है मुझे, और कोई दूसरा काम नहीं है मेरा। अच्छा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा तुम्हारे लिए, और कभी मरना भी पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी ठीक करके दुनिया से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा ताकि हमारे एक देखो एक बार सारी व्यवस्था बन गई, उसको कोई फिर तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार मैं फिर आप सब भाई और बहनों का इस पथ विक्रेता सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं फिर बैठक करने वाला हूं बैंकों के साथ, ताकि बैंक वाले ज्यादा घुमाए फिराए नहीं, और उसके मॉनिटरिंग भी करेंगे ताकि आसानी से आपको अपना काम धंधा चलाने के लिए पैसा मिल जाए और आप आगे बढ़ सको। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और एक बात और, मिलके सब एक रहो। अलग अलग रहते हैं तो परेशान किए जाते हैं, मिलके इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई अपना बाल बांका नहीं कर सकता। और घबराना मत, साथ में मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। तो मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहना हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूंगा कमाने वाला खाएगा, आप कहना लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला, लूटने वाला, अब कमाने वाला खाएगा। जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, वो खाएंगे, और गड़बड़ करने वाले को मामा नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करना। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर साथ चलें। मैं आपके संपर्क में रहूंगा, अपना बढ़िया संगठन बनाएं, और जब भी कोई संकट आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह के उस संकट को समाप्त करूंगा। बोलो हम सब मिलकर एक रहेंगे। तो संकल्प लो सब मिलकर, हम मामा के साथ हैं, भैया के साथ हैं, और मिलकर साथ काम करेंगे